आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दृष्टि विज्ञान कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दृष्टि विज्ञान चंदे सुनिमल युंग पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु सिद्धा okay. सिद्धिंग मम दि मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम भाई और बहनों मातृशक्ति को नमन सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर चार चीजें अत्यंत दुर्लभ है मानव जीवन का मिलना ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्था है अब हम परमात्मा कैसे बने उसके लिए हमें सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड ऑफ दिस कॉस्मॉस ऑफ दिस वर्ल्ड वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है और इस कुदरत के अंदर जो चौरासी लाख जीवायोनी के प्राणी जो कि जो जिनके बर्थ प्लेसेज हैं और आत्मा की संख्या अनंत है वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चरे वेती चरे वेती ये उपनिषदों से लिया गया है वेद है ईश्वर कृत है और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पुराने रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो रेग वो वेद है ऋग्वेद शाम वेद अथर्वेद ये चार वेद कहे जाते हैं और इन वेदों का जो अर्थ से वेदांत बना वेद का अंत है वो वेदांत है यानी वेदानों वेद के ऊपर जो है चूर्णी टीका भाष्य कमेंट्री लिखी गई वह वेदांत है और वह जो है उपनिषद है उपनिषद 108 तरह के होते हैं और लिखे गए हैं उन उपनिषदों का एक बहुत बड़ा सूत्र है चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो ऑन डूइंग स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं होती हम चलते रहे कारवां बनता रहा यानी आप अगर खड़े हो गए हो और चलना चालू किया और आप लीडर हो और आपका अच्छा मिशन है आपका उद्देश्य अच्छा है तो सैकड़ों हजारों हाथ सैकड़ों हजारों कदम लाखों कदम आपके साथ चल पड़ेंगे उदाहरण के तौर पर देखिए कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक योगी पुरुष है एक रिद्धि सिद्धि वाले है एक संत पुरुष है एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति है और उनके लिए देश ही सब कुछ है उनकी पत्नी होते हुए भी उन्होंने पत्नी के साथ में जो बचपन में शादी हो गई थी तो उनके साथ रहना पसंद नहीं किया क्योंकि वो गर्भस्थी में जाके अपने जीवन को जो है लिमिटेड नहीं बनाना चाहते थे उन्होंने तो जीवन को देश को समर्पित किया इसीलिए ट्वेंटी फोर आवर्स जो है वह देश के लिए काम करते हैं और जनता ही उनकी बेटा कहिए संतान कहिए परिवार है वो तो कहा करते हैं कि मेरे पास में एक सौ तीस करोड़ नहीं बल्कि एक तो जो है वो 260 करोड़ हाथ मेरे साथ में हैं यानी जनता मेरे साथ में है और जनता ने दिखाया भी है कि उनके साथ में जब उन्होंने कठोर से कठोर निर्णय लिए नोटबंदी के निर्णय लिए और बैंकों के विलय के निर्णय लिए और डिजिटल इंडिया की बात कही सारी बातें कही उसको जनता ने सपोर्ट किया जनता उनके साथ है क्यों साथ है कि चरे वेती चरे वेती वो चलते रहते हैं सही दिशा के अंदर चलते रहते हैं इसीलिए हमें एक उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन में सूत्र चरे वेती चरे वेती बनाए रखना चाहिए देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो चीटी होती है वह अपना मुंह में दाना लेकर के और उसका घोंसला कहीं ऊपर की ओर है तो दीवार के ऊपर चढ़ती है गिरती है फिर चढ़ती है गिरती है फिर चढ़ती है लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और वह हिम्मत नहीं हारती है इसीलिए एक समय जो ऐसा आता है कि अपने घोंसले पर चली जाती मंजिल को प्राप्त कर लेती है इसलिए जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं उनको मंजिल अवश्य मिलती है कहा गया है कि गॉड हेल्प अगर व्यक्ति ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है स्वयं की, की मदद का मतलब चरे वेती चरे वेती वह चलता रहता है वह चलता रहता है सही दिशा में चलता है सही उद्देश्य लेके सही एम लेके सही मिशन के लिए चलता है तो उसको सहयोग मिलता है अब महात्मा गांधी को देखिए वो जब जो है वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके और साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ में काले गोरे का भेद किया गया और काला समझ के उनको पीटा गया उनको रेलवे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया उनकी हर कदम पे इंसल्ट हुई तो उन्होंने ये चिंतन किया कि ये अंग्रेज़ लोग वहाँ भी अंग्रेज़ों का राज था साउथ अफ्रीका में कि ये गोरे लोग जो है वो हमें हमारे देश के अंदर भी जो है वो भेदभाव करते हैं और वो हमारे यहाँ तो काम धंधा करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिजनेस के लिए करी थी और वो धीरे धीरे हमारे शासक बन गए वो शासक इसलिए बने कि हमारी छोटी रियासतें बहुत ही जो है लड़ाकू की वीर थी लेकिन वो केवल आपस में लड़ा करते थे तो इसका फ़ायदा वोट उठा करके अंग्रेज लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की और उन्होंने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 वर्ष तक इस पॉलिसी के तहत जो है शासन किया तो भाई और बहनों चरेवेती चरेवेती का सूत्र है वह एक संबल देता है वह एक जोश जगाता है वह व्यक्ति को वो वो व्यक्ति को डायनेमिक बनाता है कि आप जो है वो निराश मत होइए क्योंकि जो डर गया वह मर गया जो निराश हो गया वो चला गया जीवन में कभी भी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए और सफलता सफलता तो आती रहती है उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं सफलता और असफलता और ये तो आएगी लेकिन हमें उससे साथ हिम्मत नहीं हारती है और वैसे भी चरेवेती चरेवेती के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए गीता में भगवान कृष्ण ने यह अर्जुन को सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि तुम तो निष्काम कर्म करो जो युद्ध तुम्हारे पे थोपा गया है तुम क्षत्रिय हो पीठ नहीं दिखा सकते क्योंकि युद्ध को टालने की कोशिश बहुत की मैंने भी जो है युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बनकर के और दुर्योधन को काक पांच भाइयों को पांच गांव दे दो तो संतुष्ट हो जाएगा दुर्योधन ने यह कहा कि पांच गांव छोड़िए एक जो है सुई जितनी नोक जितना भी स्थान में उनको नहीं दे सकता यानी वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता था तो इसीलिए और नियति का योग है इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ तो जो अर्जुन को कहा गया सारथी दे भगवान कृष्ण के तुम तो निष्काम कर्म करो तुम तो जो है ये चिंतन करो कि लड़ने वाला मैं नहीं हूँ मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ निमित्त समझो अपने आप को करता मत समझो और निष्काम कर्म करो फल की इच्छा मत करो कि मैं इस युद्ध के अंदर विजय होऊंगा या हारूंगा आदमी जो निष्काम कर्म करता है वो अकर्ता बन जाता है वो ऑनरशिप डूअरशिप से बच जाता है कर्म कर्मबंधन से बच जाता है और वो कर्म बंधन से बंधने के कारण अर्जुन ने इतनी लाखों लोगों की हत्याएं की महाभारत में लेकिन उसके बाद भी उसको पाप नहीं लगा क्योंकि वो अकर्ता रूप में कही करी और वो क्रिया जो है वह क्रिया से पाप नहीं लगता दोष नहीं लगता है भावों से लगता तो भावों में उसके शुद्धता थी कि लड़ने वाला जो ये शरीर है ये तो अर्जुन का शरीर है मैं तो अलग हूँ अर्जुन अलग है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और लड़ाई झगड़ा करने वाला ये जो है अर्जुन है तो इस भेद विज्ञान से इस ज्ञाता दृष्टा भाव से और इस जो है उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया तो हम बताना चाहते हैं आपको कि चरे वेती चरे वेती जीवन के हर क्षेत्र पर लागू करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी अब देखिए चरे वेती चरे वेती के साथ के अंदर है आपका मिशन सही होना चाहिए आपका उद्देश्य सही होना चाहिए वो उद्देश्य परोपकार का होना चाहिए जगत कल्याण का होना चाहिए जय जगत का होना चाहिए क्योंकि अगर हमने विशन मिशन जो है स्वार्थ का लिया तो लोग हमारे से कटते जाएंगे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा और बिना सपोर्ट के अकेला चना बाड़ नहीं फोड़ सकता अकेला अकेला व्यक्ति आप क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते इसीलिए आपको जो है अगर जीवन में प्रोग्रेस करनी है आगे बढ़ना है तो चरे वेती चरे वेती का सूत्र आप साथ के अंदर लेकर के चलो आप इस सिद्धांत को लेकर के चलो तो अवश्य सफल होगे देखिए कि हमारे जो उपनिषदों के अंदर बात बताई गई है कि हमें जो है वो सब को आत्मतुल्लावत समझना चाहिए आत्मतुल्लावत का अर्थ ये है कि हम व्यवहार जो चाहते हैं वो अन्य के साथ व्यवहार ना करें हम निज दोष दर्शन करें दूसरों के दोष देखने से जो है हमारे भीतर जो दोष है वो बढ़ते जाएंगे इसीलिए कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा ना हो बुरा न कोई यानी उन्होंने चिंतन किया कि मेरे से बढ़ के इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है यानी उन्होंने दोष दर्शन किया उन्होंने अपने दोषों को देखा और ये पाया कि मैं मेरे स्वयं के दोष देखता रहूँगा उसकी शुद्धि करता रहूँगा तो आत्मा की पवित्रता प्योरिटी बढ़ेगी और जब यह संपूर्ण प्योरिटी हो जाएगी तो मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊंगा मैं मुक्ति में चला जाऊँगा तो इसीलिए है हमें इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम चरे वेती चरे वेती के साथ के अंदर हम ऐसी प्लानिंग करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो किसी को तकलीफ न हो ये समझना जरूरी है क्योंकि उससे हमारा अच्छा मिशन होता है और हमको मंजिल जो है अच्छी मिलती है अब आप देखिए कि हम जो है कोई भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं मान लो जीवन का हमारा तो उसके लिए हमें जो है वो तीन बातें करनी पड़ेगी चिंतन मनन और निध्यासन कोई भी जीवन का चरेवेती चरेवेती का आप सोर्स बनाइए आप उसका जो लक्ष्य बनाइए लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ में तीन बातें आपको चिंतन करनी पड़ेगी सबसे पहले चिंतन फिर मनन और फिर निध्यासन जीवन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं उसका चिंतन करिए और उसके बाद मनन करिए कि मुझे जो है वो अच्छा जो लेखक बनना है तो लेखक बनने के लिए जो, जो आप मनन कीजिए कि लेखक का गुण कैसा होना चाहिए लेखक जो है वो उसकी लिपि अच्छी होनी चाहिए वह अच्छा चिंतक होना चाहिए और वह डीप रीडिंग करने वाला चाहिए वो डीप राइटिंग करने वाला चाहिए वो डीप स्पीकिंग करने वाला होना चाहिए तभी जाकर के वो अच्छा लेखक बन सकता है तो हमने अपना जो है उद्देश्य बनाया अच्छा लेखक बनेगा बनने का और हमारी जो सारी मेथोडोलॉजी है वो चरेवेती चरेवेती के आधार पर रहेगी क्योंकि मात्र अच्छा लेखक कहने से नहीं बनता है उसका परिश्रम करना पड़ता है उस परिश्रम करने के लिए अच्छे लेखक के लिए पढ़ना लिखना बोलना और वह भी जो है अच्छी गैदरिंग के सामने प्रस्तुति करना तो वह एक अच्छा लेखक बन सकता है तो आप देखिए चरेवेती चरेवेती का जो सिद्धांत है वो हमारा जो है लक्ष्य बनाने की ओर इंगित करता है जो व्यक्ति लक्ष्य विहीन है वह कभी मंजिल पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मंजिल है ही नहीं जब उसने लक्ष्मी लक्ष्मीन की क्या मंजिल है वो इज प्योरली वेस्टिंग दी टाइम क्योंकि उसने मनुष्य जो अपने पूर्व भाव के जो कर्मों के आधार पर मनुष्य भव चिंतामणि रत्न पारसमणि तो मिल गई लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है उसका उपयोग तो चरेवेती चरेवेती सही से ही होगा उसके बिना नहीं होता है हम जो है किसी भी कार्य को पब्लिक प्लेस में करना चाहते हैं या पब्लिक के सहयोग से करना चाहते हैं तो हमें पब्लिक के सामने अपना मंतव्य रखना पड़ेगा चरेवेती चरेवेती का जो है व्यक्ति को सपोर्ट कब मिलेगा वो अपना सारा मंतव्य अपना सारा पॉजिटिव है वह पब्लिक के सामने रखेगा कि मेरा ये इस तरीके से मिशन है कि मैं लोगों के लिए जो है वो कॉलेज बनाना चाहता हूँ एजुकेशन देना चाहता हूँ और उस एजुकेशन के अंदर जो हमारी मिशिंग

भावनात्मक विकास है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे और उसके अंदर जैसे कि हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंदर गुरुकुल प्रणाली को भी समाहित किया है तो मैं भी वैसा चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा में जो मूल्य गिर गए हैं उसको ऐड करके और हम शिक्षा देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को मात्र जो है हम अच्छा इंजीनियर डॉक्टर या अच्छा रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं परंतु तो एक भला इंसान के रूप में भी बनाना चाहेंगे दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है क्योंकि ये जो शिक्षा का जीवन होता है उसमें व्यक्ति को समय जो है मिल जाता है और अपना काम करते करते मूल्यों की रक्षा का भी वह आराम से कार्य कर सकता है तो इसीलिए भाई और बहनों हमें यह चरेवेती चरेवेती के सिद्धांत के ऊपर अडिग रहना चाहिए यह बहुत ही सुंदर सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है परमानेंट सुख की ओर ले जाता है क्योंकि इसके अंदर पुरुषार्थ छिपा हुआ है जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसकी सफलता उसके चरण चूमती है और जो व्यक्ति आलसी होता है उसका कोई सहयोगी नहीं होता है इसीलिए चरेवेती चरेवेती जो है हमें पुरुषार्थ सिखाता है कि आप डू एग्जर्शन और डू एग्जर्शन कैसा करो कि थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव देन यू विल बी पॉजिटिव वो हमें ऐसा चिंतन करने का चरेवेती चरेवेती सूत्र देता है हर चीज में विधायक भाव रखो यानी दुख में से सुख निकालने की कला सीखो आपके ऊपर कोई आपत्ति आ गई दुख आ गया तो आप चिंतन करो कि इसमें से कैसे सुख निकल सकता है तो इसका एक बड़ा मैं आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ कि महाभारत के समय में एक जो कुत्ता सड़ रहा था और वह बहुत बदबू मार रहा था तो उसके पास से बड़े बड़े योद्धा गए जो है गुरु द्रोणाचार्य गए और जो है दुर्योधन गया और, और भी बड़े बड़े योद्धा गए उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया सड़ांध के प्रति की और भगवान कृष्ण भी उसके सामने से गुजरे और अर्जुन उसके साथ था तो उसने कहा अर्जुन देखो ये जो मरा हुआ कुत्ता है इसके दांत सिल्वर की तरह चमक रहे हैं कितने सफ़ेद सुंदर दांत है तो उन्होंने से उन्होंने जो है वो अच्छी प्रमोद भावना को पकड़ा उन्होंने उसके दोष को नहीं देकर उसके गुण को पकड़ा तो उसके गुण को पकड़ने के कारण जो है वो उनका चरे व्यती चरे वेती का सिद्धांत सफल रहा तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर जहाँ कहीं भी गुण हो वो लेने चाहिए गुणों की पूजा होनी चाहिए नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी का जो है हमें ग्रहण करने चाहिए और जो जो हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी और प्योरिटी जब चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाती शुद्धिकरण के ऊपर पहुंच जाती है हमारी आत्मा तब जो है उसके बाद में भुवन भाष्कर होता है यानी उस जन्म में उसका अनुभव हंड्रेड परसेंट हो जाने के कारण जो है उनको केवल दर्शन होता है उस आत्मा को और आने वाले जन्म के अंदर वह केवल दर्शन जो जिसको प्राप्त हो चुका है वह केवल ज्ञान बन जाता है और केवल ज्ञान का अर्थ होता है के भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला इस चरम शरीरी के अंदर वो भगवान का स्वरूप होता है हर केवली भगवान बन जाता है क्योंकि उसके राग द्वेष समाप्त हो गए उन्होंने जो है क्षीण मोह कर दिया बारहवें गुणस्थान के अंदर मोह को पूरा समाप्त कर लिया और तेरहवें गुणस्थान के अंदर वो केवली केवल ही बन गए केवल ज्ञान केवल दर्शन और जो है वो मोहनीय कर्म जो है मोहनीय कर्म को उन्होंने समाप्त किया ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय कर्मों को समाप्त किया तब जाकर के उनको ये स्थिति मिली तो भाई और बहनों हम जो है इस सिद्धांत को जितना जीवन के अंदर डालेंगे जितना इसको एक्शन में लाएंगे उतना हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी क्योंकि ये पुरुषार्थ का सूत्र है और पुरुषार्थ में आदमी को धैर्य रखना पड़ता है जो जो बाबा जो है कहा करते थे जो अपने साईं बाबा कहा करते थे कि सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी यानी आपको चरे वेती, चरे वेती करना है आपको आगे से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप अपने मिशन के प्रति श्रद्धा रखो आप अपने टारगेट के प्रति उद्देश्य के प्रति श्रद्धा रखो जितनी जितनी आपकी गहरी श्रद्धा होगी उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उतना उतना जो है आप उस कार्य को कर पाओगे और दूसरा होता है सबूरी मतलब धैर्य रखना पड़ता है हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ा बनने के लिए गुणों को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे में धैर्य होना बहुत ज़रूरी होता है कई बार क्या होता है कि व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता है तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो वह उस कार्य को छोड़ देता है मैं आपको एक चरेवेती चरेवेती का उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि सौ फुट के ऊपर गहरा पानी है तो व्यक्ति ने जो है दस दस फुट के उसके आसपास पास इर्द गिर्द जो है दस खड्डे खोद दिए तो क्या उसको पानी मिल जाएगा तो हम कहना चाहते हैं कि दस खड्डे खोदने से पानी नहीं मिलेगा एक खड्डा पूरा सौ जो है फुट का खोदोगे तो पानी तुरंत मिल जाएगा ये चरेवेती चरेवेती का उदाहरण है कि आपकी दिशा जो है काम करने की सही होनी चाहिए और आपके पास में अनुभव होना चाहिए उस काम को अंजाम देने का अनुभव जरूरी है क्योंकि हम चलते रहे कारवा बनता रहा आप लीडर बनते हो तो आपको जो है उसकी कार्यशैली जो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो उसकी कार्यशैली का आपको ध्यान होना और उसके ऊपर जो है वो आपको नियंत्रण बनाए रखना सबको साथ लेकर जो है वो आगे बढ़ने की कला को ध्यान में रखना ये सब चीज़ें होगी तब जाकर के हमारा चरे वेती चरे वेती का सिद्धांत लागू हो पाएगा और हम जो है अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे अब देखिए कि ये जो हमारा आज का एपिसोड है इसको अगर हम ओपन टू द ऑडियंस करें लोगों से इसके सुझाव और इसकी जो है वह इसके ऊपर टिप्पणी चाहें कि क्या क्या उनकी जिज्ञासा है ये क्या प्रश्न है और जो है वह किस तरीके से इसकी यूटिलिटी और किस तरीके से उपयोगिता हो सकती है तो हम कहना चाहेंगे कि यह एक पुरुषार्थ का रास्ता है ये मुर्दे में भी जान फूंकने वाला सूत्र है क्योंकि ये सूत्र जो है जगह जभी सवेरा की बात करता है कि जो चला गया उसको भूल जाओ बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले चरेवेती वेती कहता है कि पहले जो कुछ भी घटित हो गया तुम उसको एक बार भूल जाओ और उसको नए सिरे से उत्साह दे करके और उस कार्य को आगे बढ़ाओ तो सफलता अवश्य मिलेगी तो ये जो है हमारा कार्य के प्रति समर्पण है कि हम कार्य के प्रति जितने तितने समर्पित हो जाते हैं उतने उतने अनुशासित हो जाते हैं और जहाँ समर्पण और अनुशासन होता है और हमारा मिशन जो है लोक कल्याणकारी जगत कल्याणकारी और हित कार्य होता है सबके तो जो है निश्चित ही सफलता मिलती है तो भाई हम जो है आज के सूत्र है वो चरे व्यती हमारे चर जीवन में उतरे उसकी हम बात करते हैं क्योंकि देखिए कि हमारे शरीर के अंदर पेन चल रहा है और पेन किलर की टैबलेट मेरे हाथ में है और उस उस टेबलेट को अगर मैं पानी के द्वारा मुंह में डाल करके पेट के अंदर नहीं भेजता हूँ गले के नीचे तब तक मेरा पेन है उससे मुझे रिलीफ नहीं हो सकती है वो प्राप्त करने के लिए जो है वो हमारे पेट के अंदर वो दवाई जानी चाहिए हर एक दवाई का अपना अपना एक पर्पस होता है अपना स्थान होता है तो जो हम ये कहना चाहते हैं कि चरे वेती चरेवेती का सिद्धांत का पालन हर वर्ग के लोगों को होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है इस सिद्धांत को जो है अप्लाइड फार्मूला है ये चरेवेती चरेवेती इज ए अप्लाइड फार्मूला इसको जीवन के अंदर उतारना चाहिए तो हम जो है इसको आकर के हम इसको देखते रहें तो हमें मालूम पड़ेगा कि चरेवेती चरेवेती का सिद्धांत जो है जब से हमने लिया है तब उसके बाद में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगे हैं यानी परिवर्तन क्या आया कि हमारी जितनी भी नेगेटिव है वो जो है पॉजिटिव के अंदर बदलने लग गई क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है और उसके बाद के अंदर लक्ष्य के साथ साथ जो है हमारे में उत्साह पैदा करने वाला ये सूत्र है तो उस सूत्र की वजह से हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं तो हमारा मूल जो है विषय यह है कि आप आगे बढ़ते रहो सही दिशा में पुरुषार्थ के साथ में तो सर्वे भौंत सुघना सर्वे संत निरामया लोक के सब जीवों को सुख मिले शांति मिले आनंद मिले आप सताई होकर अपने परिवार के साथ परोपकार करें आपके प्रति मंगल भावना